आज के वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी मेरी चैनल पर मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो कि मेरी हेयर इतनी शाइनी, इतनी सिल्की, इतनी चमकीला कैसे है, मैं क्या यूज करती हूँ, क्या सीक्रेट है। तो मैंने सोचा चलिए आज ही आपसे शेयर कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो चीजें हैं, हेयर हेल्दी होना, शाइनी होना, स्पेशली ये जो चमक है, ये दो चीजों के ऊपर डिपेंड करती है। एक है जेनेटिकली, जैसे कि मेरी मदर एंड फादर की जो हेयर है, उन लोगों की हेयर काफी चमकीला है, काफी शाइनी है, काफी स्मूथ है, काफी हेल्दी भी है। एंड सेकंड जो चीज है हेयर केयर, आपको थोड़ा बहुत हेयर केयर तो करना ही होता है। आप हेयर केयर नहीं करेंगे तो आपकी हेयर कैसे हेल्दी होगा, कैसे चमकीला होगा। तो मैं जो हेयर केयर करती हूँ घर पे, ये ऑलमोस्ट 90% नेचुरल तरीके से ही करती हूँ। तो हेयर केयर के बहुत सारे तरीके होते हैं, जिनमें से अकॉर्डिंग टू मी सबसे ज्यादा इफेक्टिव है हेयर स्पा। हेयर स्पा करने से आपकी हेयर की ऑलमोस्ट 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, चाहे वो हेयर की ड्राइनेस हो, चाहे वो हेयर की फ्रिजनेस हो, चाहे वो हेयर फॉल हो, हेयर की इचीनेस हो, स्प्लिट एंड्स हो, जो भी हो, हेयर स्पा करने से आपकी इस तरह की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपकी हेयर पर अलग एक चमक आएगी, जस्ट लाइक मी। तो आज जो मैं आपसे शेयर करूंगी, कैसे आप घर पे नेचुरल वे से, 100% नेचुरल वे से हेयर स्पा कर सकते हैं, जिनमें आपका यू नो 50 रुपीज भी खर्चा नहीं होगा, एंड आपको बेनिफिट्स भी सेम मिलेंगे। जैसे आप पार्लर में हेयर स्पा करते हो, उस तरह के बेनिफिट्स मिलेंगे, एंड आपकी हेयर पर कोई भी नुकसान नहीं होगा, क्योंकि आप बिल्कुल भी इसमें केमिकल यूज नहीं कर रहे हो। अगर आप इस तरीके से हेयर स्पा करते हो महीने में एक बार या फिर दो बार, तो आपकी हेयर काफी हद तक शाइनी हो जाएंगे, स्मूथ हो जाएंगे, सिल्की हो जाएंगे, एंड काफी हेल्दी भी रहेंगे। तो चलिए दिखा देती हूँ आपको कि कैसे आप घरेलू सामानों को यूज करके घर में हेयर स्पा कर सकते हैं। सो गाइस, घर में हेयर स्पा करने का सबसे पहला जो स्टेप है हेयर ऑयलिंग करना। तो यहाँ पर आपको हॉट ऑयल मसाज करना होगा। सबसे पहले हेयर को अच्छी तरह से कॉम कर लीजिए रिटेंगल करने के लिए। ये ऑयल आपको अप्लाई करना होगा आपके क्लीन एंड ड्राई हेयर पर। तो यहाँ पर मैं कोकोनट ऑयल यूज कर रही हूँ, डिस्टिल का एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल। आपके पास जो भी हेयर ऑयल है आप उसे यूज कर सकते हैं। ऑयल को थोड़ी सी पहले गर्म कर लेना होगा। यहाँ पर आप माइक्रोवेवन या फिर डबल बॉइलिंग प्रोसेस या फिर आप डायरेक्टली फ्लेम पर भी गर्म कर सकते हैं। इसके बाद आपको ऑयल को आपकी स्कैल्प पर अप्लाई करना होगा, जस्ट लाइक दिस। हेयर को छोटे छोटे सेक्शंस बना के इस तरह से स्कैल्प पर अप्लाई कर लीजिए, एंड 2-3 बार अच्छी तरह से इस तरह से रब कर लीजिए या फिर मसाज कर लीजिए। इस तरीके से आपको पूरी स्कैल्प पर, आपकी पूरी हेयर को कवर करना होगा। पहले आप आपकी पूरी स्कैल्प पर ऑयल को अच्छी तरह से अप्लाई करके मसाज कर लीजिए 4-5 मिनट तक। उसके बाद आपको बाकी ऑयल आपकी हेयर लेंथ पर अप्लाई कर लेना होगा। ऑल्सो आपकी हेयर एंड्स पर भी अप्लाई करना होगा अगर आपके स्प्लिट एंड्स हैं। तो अच्छी तरह से हेयर लेंथ पर अप्लाई करने के बाद लेंथ पर भी कुछ इस तरीके से मसाज करना होगा। उसके बाद हेयर को इस तरह से कॉम करके बन बना लीजिए, एंड हेयर पर आप ऑयल को आधा घंटे के लिए छोड़ दीजिए। यहाँ पर आप चाहे तो हेयर स्टीमिंग भी कर सकते हैं, इट्स ऑप्शनल। उसके बाद हेयर को आपको वॉश कर लेना होगा आपके रेगुलर शैम्पू से, एंड हेयर को टॉवल ड्राई कर लेना होगा। नेक्स्ट स्टेप है हेयर मास्क अप्लाई करना। उसके लिए आपको चाहिए एक फुल्ली राइप्ड बनाना। तो बनाना जितनी राइप होगा उतनी अच्छी होगा। इसे आप ब्लेंडर में डाल दीजिए। इसके बाद आपको चाहिए कर्ड 3 टीस्पून। अगर आप घर पे कर्ड बनाते हो तो वो और भी अच्छी बात होगी, या फिर आप मार्केट का कर्ड भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको चाहिए एलोवेरा जेल। यहाँ पर मैंने फ्रेश एलोवेरा की लीव से जेल निकाल के यूज किया है, बट अगर आपके पास कोई मार्केट का एलोवेरा जेल है वो भी आप यूज कर सकते हैं। एंड लास्टली आपको इसमें ऐड करना होगा एक एग। अगर आप वेजिटेरियन हो या फिर एग से एलर्जी है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। इसके बाद आपको इसे अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेना होगा। ब्लेंड आपको बहुत ही स्मूथली करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बनाना की लम्ब्स रह जाती है, यही लम्ब्स आपके हेयर पर चिपक जाएगी और आसानी से निकलेगा नहीं। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ब्लेंड स्मूथली करें, जस्ट लाइक दिस। इसके बाद इसे आपके हेयर पर थरली बहुत ही अच्छी से अप्लाई करना होगा, स्कैल्प से लेके पूरे एंड तक। तो यहाँ पर आप जैसे कंफर्टेबल हो वैसे अप्लाई कीजिए, बट आपको ध्यान में रखना है स्कैल्प से लेकर पूरी एंड तक अच्छी तरह से हर एक स्ट्रैंड में ये मास्क पहुंचे। ये मास्क हेयर पर अच्छी तरह से अप्लाई करने के बाद हेयर पर एक बन बना लीजिए, एंड उसके बाद आप कोई भी शावर कप अप्लाई कर लीजिए। इससे आपकी ये जो मास्क है ये हेयर पर सूखेगा नहीं, एंड आपको इसे आपके हेयर पर 30-1 मिनट तक छोड़ देना है। एंड उसके बाद आप हेयर को नॉर्मल वाटर से भी धो सकते हैं या फिर
चाहे तो शैम्पू भी कर सकते हैं। एंड हेयर ड्राई होने के बाद रिजल्ट आपके सामने है। फर्स्ट ही यूज में गाइज हेयर काफी शाइनी हो जाती है, हेयर पर अलग एक वॉल्यूम आ जाती है, हेयर पे काफी चमक आ जाती है, काफी सॉफ्ट एंड स्मूथ भी हो जाती है एंड हेयर फॉल भी कम हो जाती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरी हेयर कितनी शाइनी, कितनी स्मूथ लग रही है। आपको हेयर को टच करने में ना अलग ही मज़ा आएंगे एंड हेयर पर अलग सी एक स्मूदनेस भी आ जाएंगे। ऑल्सो मैं यहाँ पर आपको जूम करके भी दिखाती हूँ, ये देखिए हेयर काफ़ी चमक रही है। तो गाइज ये जो ट्रीटमेंट है एक मिरेकुलस ट्रीटमेंट है एंड एकदम नेचुरल वे है आपकी हेयर को स्पा करने के लिए घर में। ये थी मेरी आज की वीडियो कि कैसे आप घर में नेचुरल वे से हेयर स्पा कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, क्योंकि अभी लॉकडाउन है, आप पार्लर नहीं जा पा रहे हो, आगे ईद भी है, तो आई थिंक ये वीडियो आपके लिए थोड़ा बहुत हेल्पफुल रहा होगा। अगर आप इस तरीके से घर पे हेयर स्पा करते हो तो डेफिनेटली आपकी हेयर फ्रॉम द फर्स्ट यूज काफ़ी सिल्की हो जाएंगे, काफ़ी शाइनी भी हो जाएंगे। अगर आप ये ट्रीटमेंट घर पे फॉलो करते हो तो ऑब्वियसली मुझे कमेंट सेक्शन में आके आपके रिजल्ट शेयर कीजिएगा। एंड क्या अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आगे से और वैसे वीडियोस के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, बाय।